बट मूवी इतनी बुरी भी नहीं है जितना लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना मूवी को, कि भाई ये वो पैदावार है कोविड में पैदा हुए। ये बोलूंगा मैं, यूज कॉन्डम सेव अर्थ। थोड़ी अकल लगाओ। बाप ने बेटा मांगा था, माँ ने बेटी मांगी थी, दोनों मिला के उसको भेज दिए। तो करण जौहर की कजन सिस्टर थी वो जो आपको रिव्यू दे रही थी, वो चुतिया लोग है जो, उसको अभी कुछ समझ में नहीं आया मूवी। उसको बॉलीवुड की करण जौहर की मूवी दिखाओ उसको बस। जो लोग नेगेटिव है, जो लोग भोजपुरी फिल्म देखने वाले चुतिया लोग हैं ना, उसको समझ में नहीं आएगी मूवी है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए तब दोनों के फाइट सीन्स आए ना यार, मैं तो खड़े हो तालियां जा रहा था दोनों को देख के। अच्छा हो गया, इतना नेगेटिव रिव्यू पब्लिक दे रही है, मतलब बोलते ना इतना पॉजिटिव देने के बाद में कुछ चार पांच लोग इतना नेगेटिव बोल रहे हैं, आप क्या बोलना चाहिए? हाँ देखी मैंने, सुबह मिले भी मुझे, मैंने रिव्यू भी दिया, अपना ओपिनियन दिया, फिर मैंने मतलब बहुत से लोगों का आपके चैनल पे भी देखा, दूसरे लोगों के चैनल पे भी देखा, हालांकि अपना अपना ओपिनियन है सबका। बट मूवी इतनी बुरी भी नहीं है जितना लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं ना मूवी को, कि भाई फर्स्ट हाफ में मैं सो गया था, फर्स्ट हाफ में मैं मोबाइल देखने लगा था, फर्स्ट हाफ में मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं खड़ा होकर चला जाऊँ। अरे भाई मेरे, आप लोगों को गणपत जैसी मूवी सुपर हिट लगती है और कालकी जैसी मूवी जो इतनी अच्छी बनी है, इतने अच्छे विजुअल्स है, इतना अच्छा VFX दिखाया गया है, इतनी अच्छी स्टार कास्ट के साथ प्रेजेंट किया है नाग अश्विनी ने, उसका नाम ही नाग है, जो नाग है तो सोचो वो तुमको डसेगा, और ऐसा डसेगा निगल लेगा, अजगर है वो, ऐसी मूवी है ये। तो क्रिटिसाइज़ करने वालों को मैं वही बोलूँगा कि थोड़ी अकल लगाओ और मूवी देखो तो अच्छी देखो, दिमाग लगा के देखना ना बहुत ज़रूरी आजकल की डेट में। और ये जो क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं ना, ये वो पैदावार है जो मतलब कोविड में पैदा हुए। तो यही बोलूँगा मैं, यूज़ कॉन्डम सेव अर्थ। और क्या, एक जन ने बोला था कि इससे बेटर है कि आदि पुरुष को ऑस्कर मिलना चाहिए। वो मैं देखा था, वो क्या ना, हाँ सिनेपोलिस में मेरे अपोजिट में ही खड़ा था वो जिसने रिव्यू दिया था, मैं वहाँ पे भी उसको देख रहा था ऊपर से नीचे तक। तो मतलब ना इधर का है ना उधर का है, बाप ने बेटा मांगा था, माँ ने बेटी मांगी थी, ऊपर वाले ने दोनों की सुन ली, दोनों मिला के उसको भेज दिए। तो करण जौहर की कज़न सिस्टर थी वो जो आपको रिव्यू दे रही थी पता नहीं, उन लोग का अलग गाँव है, उन लोग का अलग गाँव बसता है, ना शहर के है ना गाँव के, उन लोग का अलग गाँव बसता है। तो बहन मैं आपको इतना ही बोलूँगा, प्लीज़ अच्छे से रिव्यू दिया करो, अच्छे से मूवी देखा करो। अब मैंने 1200 के ऊपर मैंने वर्ल्ड वाइड रिव्यू दिया, अरे क्या 1200 के ऊपर वर्ल्ड वाइड रिव्यू दिया यार, मूवी को देख, अच्छे से देख, आँखें खोल के देख। अभी उसके थोड़े दिन पहले ना इश्क विश्क रिबॉन्ड आई थी, 2003 में आई थी शाहिद कपूर की इश्क विश्क, वो मतलब इतनी अच्छी मूवी थी, और 2024 में इन्होंने इतना बुरा घान किया इस मूवी का, वो मूवी उस मिठ्ठे को अच्छी लगी। तो सोचो जिसके अंदर सेक्स भरा हो, जिसके अंदर हवस भरा हो, उसको हेट स्टोरी 2 अच्छी लगती है, जो मतलब कुत्ता भी देखने नहीं गया वो पिक्चर उसको अच्छी लगती है। तो ये माइथोलॉजी के ऊपर जो इतनी अच्छी मूवी बनी है, जो हिंदुइज़्म को इतना अच्छे से प्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ पर जो एक एक चीज़ को मतलब क्लियर कट किया गया है, क्लियर कट आउट किया गया है कि भाई हमने पूरा अच्छे दिखाया, तो भाई तुझे पिक्चर में क्या कमी लग रही है, भाई बोलूँ, बहन बोलूँ, क्या बोलूँ, या ट्रेन वाला बोलूँ जो बीच बीच में आगे ताली बजा के जाते हैं। तो बहन प्लीज़, ना तू इधर का है ना तू उधर का है, भगवान जाने तू किधर का है, तू जिधर का भी है तो प्लीज़, जो जिसको भी मतलब, उसी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो भी मतलब रिव्यू दे रहा है ना, हॉनेस्ट रिव्यू दो, समोसा क्रिटिक मत बनो, प्रेस शो में जाके पिक्चर देख के उनका समोसा खा के PR के तुम लोग मतलब रिव्यूज़ मत दो, खुद के पैसे लगाओ और खुद का एक अच्छा ओपिनियन दो। इनको पता है कि भाई हम प्रेस शो देख रहे हैं, अगर हम गलत बोलेंगे तो कल को हमारा समोसा, चाय, कॉफ़ी, टी सब बंद हो जाएगा, नाश्ता बंद हो जाएगा, ट्रेलर में हम जाते हैं खाना खाने जाते वो बंद हो जाएगा, दोपहर का खाना बंद हो जाएगा, सुबह का नाश्ता बंद हो जाएगा, रात का खाना बंद हो जाएगा। तो यार ये लोगों को अच्छा बोलना ही है, समझ रहे हो, ये लोगों को अच्छा बोलना ही है, ये लोग अच्छी अच्छी मूवी को तो अच्छा बोलते ही है, ये लोग जो ख़राब मूवी रहती है ना उसको भी अच्छा बोलते हैं। तो समझ लो ये लोग का जो थिंकिंग है ना वो क्या है, मतलब मेंटेलिटी क्या है ये लोगों की। तो अगर इनको अपना घर परिवार चलाना है तो अच्छा बोलना ही पड़ेगा, क्या कर सकते हैं। आपको नहीं लगता कि नेगेटिव बोल के फेमस होने का थोड़ा ये नया ट्रिक निकला है कि मतलब कोई बड़ी पिक्चर के में नेगेटिव, ये नेगेटिव होने की निंजा टेक्निक है ये लोगों की, जियान वाली एक्चुअली इन लोग की निंजा टेक्निक है। हाँ तो इन लोगों का जो फेमस होने का ये ना कि भाई देखो फेमस कैसे होते पता है आपको, बड़ी पिक्चर में होते हैं, छोटी मोटी पिक्चर में कौन देखता है, ज़्यादा व्यूज़ नहीं आते, बड़े से बड़े यूट्यूबर्स को भी यार 1-2 लाख आते। जब कोई बड़ी पिक्चर आती है ना बड़े बजट की, लाइक प्रभास, इसका स्टार्डम क्या है ना बताने की ज़रूरत नहीं मुझे, हिंदी बेल्ट में तो पता नहीं मुझे, बट साउथ में उसका स्टार्डम क्या है। अगर कोई खड़ा हो के, वो जैसे बुराई कर रहा था ना, अगर कोई वहाँ पे खड़ा रह के बोल दिया ना तो रात में उसके नाम का हार चढ़ जाएगा उसकी तस्वीर पे,
सीरियसली बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं खुद साउथ से बिलोंग करता हूँ तो मुझे वहाँ का पता है। वहाँ पे एक्टर को ना भगवान की तरह पूछते हैं, तो किसी को क्रिटिसाइज़ करना, वो भी इतनी गंदी तरीके से। आप मूवी को क्रिटिसाइज़ करो बट इतना गंदा बोलोगे, इतना उससे गंदी तो आपकी शक्ल है, उस पिक्चर से गंदी आपकी शक्ल है, बातें तो अच्छी करो। तो मैं यही बोलूँगा भाई, लास्ट में वही बोलूँगा, फैमिली शो है, यूज़ कॉन्डम, सेव अर्थ, क्या बोल सकते हैं उन लोगों के लिए। और बहुत से लोग ऐसे, एक लोग नहीं है, मतलब इंडस्ट्री में ही आप देखो ना, खास करके तो बॉलीवुड, बॉलीवुड इनके बाप का नहीं है, बॉलीवुड इनके बाप ने नहीं बनाया। आप सुशांत सिंह राजपूत को देखो क्या हुआ उसके साथ, मतलब एक स्टार जो अपने आप से बन के एक टीवी सीरियल से आके उसने अपना नाम बनाया, उसने अपना नाम बनाया खुद के दम पे, जिसने अपना स्टार्डम खड़ा किया, उसके साथ क्या हुआ? आज तक उसका केस सॉल्व नहीं हुआ। मैं कुछ नहीं बोल सकता, वरना मैं कल को पता नहीं कहाँ पे रहूँ, शायद सलाखों के पीछे रहूँ। तो यहाँ पे शायद बोलने का फ्रीडम तो इतना मिलना ही चाहिए कि प्लीज़ हमारी मुंबई पुलिस उसके लिए जस्टिस करे। किसी के घर पे गोली चलती है तो फटाफट दूसरे दिन पकड़े जाते हैं, बट यहाँ पर सुशांत सिंह राजपूत गया है। और हम नहीं चाहते कि बॉलीवुड में ऐसे जो आजकल चल रहे हैं, चाहे वो विद्युत जामवाल हो या फिर कार्तिक आर्यन हो, जिसकी इतनी अच्छी मूवी थी उसको भी लोगों ने डिज़ास्टर और फ्लॉप बोल दिया, और इतनी घटिया घटिया मूवी को लोग इतनी अच्छी बोलते, मुझे तो मतलब समझ में नहीं आता। एक मूवी आई थी जिसका नाम था क्रू, मेरे दिमाग के स्क्रू हिल गए थे उसको देख के, बट लोगों को वो भी अच्छी लगी थी। मतलब इतना नंगापन एकता कपूर जा दिखाती है वेब सीरीज़ में अपने, कि एक सिपाही जा रहा है अपनी सरहद पे फौज के लिए, एकता कपूर की वेब सीरीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, जो जो अपने वो अंदर सोचती ना दिन रात, जो अभी तक छड़ी छाट घूम रही है, हालांकि वो वर्जिनिटी उसकी टूट गई है, वो सबको पता है, बच्चे बच्चे को, जो मतलब एक सिपाही देश के लिए शहीद होने जाता है ना, वो शहीद हो गया है, वो दिखा रही है कि उसकी पत्नी दूसरे के साथ है। मतलब इतना गंदा वो दिखाती है, उसकी थिंकिंग ये। और उसने एक अभी बनाई थी, क्या कौन सी मूवी बनाई थी रिसेंटली, उसकी एक मूवी आई थी लव सेक्स और धोखा 2। मतलब लव उसके अंदर है नहीं, सेक्स उसके अंदर भरा हुआ है, और धोखा उसको ज़िंदगी भर मिला है भाई एकता कपूर को। तो सोचो उसके अंदर मेंटेलिटी क्या है उसकी, वो पागल है। और वो एक पागल नहीं है, ऐसे बहुत लोग पागल है बॉलीवुड में। आपने मस्ती पिक्चर देखी होगी कितनी, 2000 आई थी, उसके बाद वो जो डायरेक्टर है ठरकी डायरेक्टर, उसका नाम नहीं पता मुझे, नाम याद नहीं आ रहा, उसके बाद उसने मस्ती 2 बनाई। मतलब यार क्या हो गया आजकल के समाज को। आप 1997 में देखो, एक एक्ट्रेस थी उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उसने अपने सिर्फ मैगजीन पर ना फोटो डाली थी, तो इतना बड़ा मतलब कॉन्ट्रोवर्शियल बयान ये हो गया था कि भाई सारी महिलाएं जो थी ना जाके उसके घर पे धरना लेके बैठ गई थी। और आज क्या हो रहा है, मतलब आज समाज किस तरफ जा रहा है। बट किसी को कुछ नहीं पड़ी है, सब आ रहे हैं, सब चल रहा है वेब सीरीज़, आज वेब सीरीज़ देख रहे हैं, धकाधक पेल रहे हैं, हिला रहे हैं, सब कर रहे हैं, बट कोई कुछ नहीं बोल रहा। क्यों नहीं बोल रहा भाई, आपको पता ही है, बताने की ज़रूरत नहीं है। तो बस यही बोलूँगा, अच्छी मूवी को सपोर्ट करो, अच्छे को अच्छा बोलो, बुरे को बुरा बोलो, और नहीं बोल सकते तो भाड़ में जाओ यार, अब क्या बोलूँ मैं। यू मोस्ट वेलकम। मूवी को भाई एक नंबर लगी मेरे को, बहुत अच्छा लगा। ये चुती नेगेटिव जो बोल रहे हैं ना आगे, ये भोजपुरी फिल्म देखने वाले चुती हैं जिसको समझ में नहीं आई मूवी। पॉजिटिव वो ही बोल, जो लोग नेगेटिव है, जो लोग भोजपुरी फिल्म देखने वाले चूतिए लोग हैं ना, उसको समझ में नहीं आएगी मूवी है। उनको बोलो घर पे रहे हो, ये भोजपुरी फिल्म नहीं है, कुछ भी हो सकता है। ये इसमें लॉजिक ढूंढो, तुम बोलोगे पेड़ पौधा, अरे पेड़ पौधा की जरूरत क्या उसके अंदर, मूवी है वो, पेड़ पौधा कुछ भी चूतिए लोग बोल देते रहे दो देर। आगे मेरे को परफेक्ट लगा, कहीं भी VFX की कमी नहीं लगा मेरे को। मैं मूवी देख के आ भी आया, लेकिन VFX कहीं भी मुझे कैसा नहीं लगा, कहीं कहीं कम पड़ रहा हो, कहीं ज़्यादा दिख रहा हो, ऐसा कुछ नहीं लगा मेरे को, परफेक्ट लगा एकदम VFX भी सब। बच्चन साहब, प्रभास, कैसे लगा कॉम्बिनेशन? मेरे रोंगटे खड़े हो गए तब दोनों के फाइट सीन्स आए ना यार, मैं तो खड़े हो तालियां जा रहा था दोनों को देख के। लाश का तो यार इतना ट्विस्ट टर्न है, अब जरूर देखेगा और मूवी यार, पब्लिक को बहुत पसंद आएगी। कमल हसन को तो बहुत कम दिखाया, थोड़ा सा दिखाया लेकिन अच्छा दिखाया उसको। दीपिका भी सही है, क्या बोलने का, अभी बॉलीवुड की कुछ भी कर ले चल जाएगी वो। दिशा की क्यों लिया मुझे समझ में नहीं आया, दिशा पुरानी को लिया क्यों? और दो तीन वो है कम केमियो है, मस्त मस्त केमियो डाले, दो तीन डाले, अच्छे डाले। बहुत ज़्यादा भाई, क्या वो प्रभास ने बता नहीं बताऊँगा नहीं, लेकिन वो अलग ही माइंड में घूम रहा है वो, कि कब आएगा वो। अभी जितने भी लोग पिक्चर देख के आ रहे हैं सब बोल रहे हैं कि
हीरो तो प्रभास था, पिक्चर देखने गए हम लोग हीरो मुझे अमिताभ बच्चन लग रहे हैं। अच्छा है, हाँ मैंने लगा कि मैं अमिताभ बच्चन ही, बार बार प्रभास पीट रहा था अमिताभ बच्चन से, इसके लगा कि मैं हीरो अमिताभ बच्चन को मानना पड़ेगा अपने को। तो क्या बोलना चाहोगे जो लोग नेगेटिव बोल रहे हैं, उन लोगों को क्या बोलना चाहोगे, नेगेटिव लोग का रिव्यू इग्नोर करो क्या करना? वो चुतिया लोग हैं जो उसको अभी कुछ समझ में नहीं आया मूवी को, उसको बॉलीवुड की करण जौहर की मूवी दिखाओ उसको बस, उसको आगे उसको कुछ मिलना देना नहीं है बस वही है। फाइव आउट ऑफ फोर, फाइव में से फोर स्टार दूंगा मूवी, दिशा बढ़ाने के लिए। आज थोड़ा सा कुछ लगा इसके लिए, एक स्टार कम किया बस। थैंक यू सर, वेलकम।